एक शाम डेविड गॉगिंस को उनके फ्रेंड का मैसेज आया और उसने डेविड से पूछा कि क्या वो चैरिटी के पैसे रेस करने के लिए लैडविल ट्रेल 100 रेस दौड़ेंगे। लैडविल ट्रेल 100 एक 100 माइल्स यानी 160 किलोमीटर की फुट रेस है जो कि सी लेवल से 10,000 फीट ऊपर से शुरू होती है, जिसके बीच में कई एलिवेशन पॉइंट आते हैं जहां रनर को दो बार 15,000 फीट तक क्लाइम करना होता है। अब अगर डेविड गॉगिंस के दोस्त ने उनसे कुछ साल पहले इस रेस के बारे में कहा होता तो वो खुशी खुशी इस रेस में शामिल हो जाते, क्योंकि उस टाइम डेविड एक मेंटल बीस्ट थे। पर अब वो खुद से और अपने दोस्त से इस रेस में ना जाने के बहाने मार रहे थे, जबकि द टफेस्ट मैन अलाइव दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी डेविड गॉगिंस को ये टाइटल तब मिला था जब उन्होंने अपनी बुक कांट हर्ट मी को पब्लिश करा। जब लोगों ने उनकी कहानी सुनी कि कैसे वो दुनिया की सबसे मुश्किल मिलिट्री ट्रेनिंग हेल वीक को 3 बार कंप्लीट करके एक नेवी सील बने, डेथ वैली पे एक अल्ट्रा मैराथन को पूरा करा, पर ये सब करके और अपनी बुक कांट हर्ट मी की मैसिव सक्सेस के बाद डेविड गॉगिंस अपनी सक्सेस को एंजॉय करने के कम्फर्ट जोन में कुछ ऐसा फंसे कि फिर उन्होंने खुद को चैलेंज करना ही बंद कर दिया था। वो बाकी चीजों और पब्लिक इवेंट्स में इतना बिजी हो गए कि फिर दोबारा से धीरे धीरे वो अपना वही पुराना वीक वर्जन बनने लग गए थे। लेकिन गॉगिंस कहते हैं, हम सभी के अंदर एक आग होती है जो डार्क एनर्जी के अंदर छुपी होती है, और ये डार्क एनर्जी उसे मिलती है जो नए नए चैलेंजेस लेता है। अगर आप खुद को चैलेंज करना बंद कर दो तो ये आग आपको अंदर से जला के राख कर देगी और आपको कमजोर बना देगी। और गॉगिंस के साथ भी यही हुआ। अपने बिजी शेड्यूल, फैमिली कमिटमेंट्स और हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपने आप को चैलेंज करना ही बंद कर दिया था और दुनिया का टफेस्ट मैन वापस एक वीक मैन बन गया, जिससे उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दिया। क्योंकि गॉगिंस कहते हैं, आप खुद को रिस्पेक्ट तब करते हो जब आप रोज सुबह उठकर खुद को नए सपनों से चैलेंज करते हो और अपनी लाइफ ऐसे जीते हो जैसे आपने लाइफ में अब तक कुछ नहीं करा। रिस्पेक्ट इज अर्न एवरी डे बाय वेकिंग अप अर्ली, चैलेंजिंग योरसेल्फ विद न्यू ड्रीम्स एंड एम्ब्रेसिंग द सक लाइक यू हैव नथिंग एंड नेवर डन अ डैम थिंग इन योर लाइफ। गॉगिंस को अपनी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट को वापस अर्न करने के लिए इस रेस को कंप्लीट करना बहुत जरूरी था, पर इस रेस में जाने का ख्याल उन्हें डरा रहा था। पर साथ ही कहीं ना कहीं वो ये जानते थे कि अपने अंदर की आग को जगाने के लिए उन्हें और वापस से टफेस्ट मैन ऑन अर्थ बनने के लिए उन्हें इस रेस में भाग नहीं होगा, वरना उनके हेटर्स का कहना सच हो जाएगा। ये था उनका वेकअप चैलेंज। आपका वेकअप चैलेंज कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली चैलेंजिंग हो, वो मेंटली टफ भी हो सकता है। जैसे अपने करियर के लिए एक नई स्किल सीखना, एक कंपटीशन में पार्ट लेना या कुछ भी ऐसा करना जो इन दो क्राइटेरिया को फुलफिल करे। फर्स्ट है फियर पॉट। गॉगिंस कहते हैं, आपका वेकअप चैलेंज एक फियर पॉट की तरह होना चाहिए, जिसे कमिट करने से पहले आपको डर लगे, आपको ऐसा ख्याल आए कि यार ये मैं कैसे करूंगा, पर एक बार जब आप इसे करने लग जाओ तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट को धीरे धीरे वापस लेके आएगा। और दूसरा है वेकअप चैलेंज के लिए आपको डेली काम करना बहुत जरूरी है। सेकंड है रिक्वायर डेली एफर्ट। लैडविल ट्रेल 100 के लिए गॉगिंस ने एक भी दिन ऑफ नहीं लिया, अपने रेस्ट डेज पर भी वो इस रेस के चैलेंजेस को ओवरकम करने की स्ट्रेटजीज बनाते थे ताकि वो अपनी बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी तैयार कर पाए। जब आपका वेकअप चैलेंज फिक्स कर दो उसके बाद आपको करना है, जिसे गॉगिंस कहते हैं सेल्फ टॉक ऑडिट्स। कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के बाद गॉगिंस की बॉडी दर्द करने लग गई थी और वो बस एक दिन छुट्टी करके आराम करना चाहते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। वो एक चेयर पे बैठे अपना फोन निकालकर वॉइस रिकॉर्डर ऐप को ओपन करा और वो जो कुछ भी फील कर रहे थे वो बोलने लगे। उनके सारे एक्सक्यूजेस, सारा पेन, वो क्यों ट्रेनिंग नहीं करना चाहते थे, उसके सारे रीजंस उन्होंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर दिए और फिर उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को वापस सुना, जिसे सुनकर वो कन्विंस नहीं हुए। अपनी ही आवाज सुनकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे एक कमजोर इंसान बस गिव अप करने की भीख मांग रहा है, और वो ये कमजोर इंसान नहीं हो सकते। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद वो इमीडिएटली चेयर से उठ गए और रनिंग करने चले गए, और ये चीज वो बार बार करते थे। जब भी उन्हें आलस आता था, थकान होती थी या बहुत दर्द होता था, वो अपने आप को रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ एक्सक्यूजेस देते हुए रिकॉर्ड करते थे और उस रिकॉर्डिंग को वापस सुनते थे, जिससे उन्हें खुद पर बहुत शर्म आती थी। गॉगिंस कहते हैं, हम कमजोर मोमेंट्स में खुद से कैसे बात करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे वर्ड्स एक्शंस बन जाते हैं और एक्शंस हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। द वे वी स्पीक टू आवरसेल्व्स इन मोमेंट्स ऑफ डाउट इज क्रूशियल, बिकॉज वर्ड्स बिकम एक्शन एंड एक्शन बिल्ड्स हैबिट्स। इसीलिए जब भी आप खुद को प्रोक्रेस्टिनेट करते हुए पाओ या वीक फील करो तो अपने सारे एक्सक्यूजेस को अपने फोन में रिकॉर्ड करके दोबारा सुनो। आपको खुद के इस वीक वर्जन से नफरत होने लगेगी, जो आपको इसके जैसा बनने से रोकेगा और आपको एक मेंटली टफ इंसान बनाएगा। सेट ए न्यू स्टैंडर्ड। जब गॉगिंस यूएस एयरफोर्स के एयर असॉल्ट स्कूल में थे, जहां उनकी क्लास के हर स्टूडेंट को 5 पुलअप्स और 10 एलिवेटेड पुशअप्स करना कंपलसरी था, एक दिन गॉगिंस अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ अपने 5 पुलअप्स कंप्लीट करके पुशअप्स करने के लिए जा रहे थे, पर उनका एक क्लासमेट कॉनली, जो आगे जाके यूएस आर्मी का कैप्टन भी बना, वो अभी भी पुलअप बार पे ही था।
जो अपने 5 पुलअप्स करने के बाद और ज्यादा पुलअप्स कर रहे थे। और सिर्फ पुलअप्स ही नहीं, उसे जो भी टास्क दिया जाता था वो उसमें अपनी स्टैंडर्ड लिमिट से ज्यादा ही करता था, जो गॉगिंस को बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता था, क्योंकि उन्हें देख के गॉगिंस को बस ये फील होता है कि वो उससे कितने कमजोर हैं जो अपने आप को पुश नहीं कर सकते। गॉगिंस कहते हैं, कैप्टन कॉनली एयर असॉल्ट स्कूल में सिर्फ इसलिए नहीं आया था ताकि वो यहाँ से ग्रेजुएट होके अपने मेडल्स घर ले जा सके, वो आया था ताकि वो अपनी लिमिट्स को टेस्ट कर सके और वो किस हद तक खुद को पुश कर सकता है ये जान सके। जब गॉगिंस इस लैडविल ट्रेल 100 रेस की तैयारी कर रहे थे, वो इमेजिन करते थे जैसे उनका वही क्लासमेट कैप्टन कॉनली उन्हें हर दिन देख रहा है और उनसे पूछ रहा है, आर यू मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स और आर यू गिविंग ऑल यू कैन गिव, क्या तुम बस इतना कर रहे हो जिससे तुम्हारा काम चल जाए, या तुम अपना पूरा 100% देने के बाद भी थोड़ा और पुश कर रहे हो। दोस्तों, बात असल में यह है कि आप खुद ही अपना सबसे बड़ा कंपटीशन हो और हर बार खुद को हराने की कोशिश करो। अगर आपको किसी ने कहा है कि आप हर दिन एक बुक के 10 पेजेस पढ़ो, देखो कि क्या आप 20, 30 या 40 पेजेस पढ़ सकते हो। अगर आपने किसी कोर्स में एडमिशन लिया है तो सिर्फ क्लास में जाके बैठो मत, घर आके उससे रिलेटेड इंटरनेट पर और स्टडी करो। MIT, स्टैनफोर्ड उस कोर्स के बारे में क्या पढ़ा रहे हैं वो देखो। हमेशा इस बात को एक्सप्लोर करो कि आप और ज्यादा क्या कर सकते हो ताकि आप उन सभी स्टैंडर्ड से ऊपर उठकर जी पाओ जिसे बाकी सब जी रहे हैं, जिसमें आपकी ये पॉइंट मदद करेगा। अकाउंटेबिलिटी मिरर। गॉगिंस का बचपन हमेशा से बहुत डार्क रहा है। गॉगिंस के फादर एक अल्कोहलिक सोशियोपैथ थे जो उनकी माँ को फिजिकली और इमोशनली अब्यूज करते थे। अपना डर बैठाने के लिए वो उनकी माँ को उनकी आंखों के सामने मारते थे। वो अपने शहर के ऐसे स्कूल में जाते थे जहाँ वो अकेले अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे थे, जहाँ उन्हें अपने रंग की वजह से बहुत परेशान किया जाता था। बच्चे उन्हें बुली करते थे, उन पर गंदे गंदे कमेंट्स पास करते थे, उन्हें डराते थे, धमकाते थे। अपना पूरा बचपन उन्होंने ऐसे ही गुजारा। 24 की उम्र में वो कॉकरोच मारने का काम करते थे। उनका वजन लगभग 135 किलोग्राम हो चुका था। उनकी लाइफ एक कंप्लीट फेलियर थी, पर उस टाइम उन्होंने एक ऐसी चीज डिस्कवर करी जिसने उनकी लाइफ बदल कर रख दी। वो था अकाउंटेबिलिटी मिरर। एक फेलियर की तरह जीने के बाद उन्होंने जब एक दिन खुद को एक शीशे के सामने देखा, तब उन्होंने खुद से सच बोला कि अभी वो जैसे दिख रहे हैं, उनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है वो सब उनकी वजह से है। उनका बचपन, उनकी फैमिली, वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ बड़े हुए, वो इन सबको नहीं बदल सकते, पर बदल सकते हैं तो बस अपने आप को। उन्होंने खुद से कहा कि वो जैसे जी रहे हैं उससे वो खुश नहीं है, उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं है और ऐसी लाइफ वो जीना नहीं चाहते, जिससे उन्हें अपने अंदर एक आग महसूस होने लगी। ये थी उनके अंदर की डार्क एनर्जी। सिर्फ अपने आप से सच बोलकर उन्होंने अपनी डार्क एनर्जी को हार्नेस कर लिया था, जिसने उन्हें अपनी लाइफ में मुश्किल चीजें करने के लिए पुश करा ताकि वो अपनी इस फेलियर भरी लाइफ को पीछे छोड़ पाए। जिसके बाद उन्होंने नेवी सील बनने की तैयारी करी। 3 महीने में 80 किलो वजन घटाया। दुनिया की टफेस्ट मिलिट्री ट्रेनिंग को उन्होंने 3 बार कंप्लीट करा और एक नेवी सील बन गए। उन्होंने पुलअप्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, कई अल्ट्रा मैराथन रेसेस जीती और बस अपनी इसी आग से वो बन गए वर्ल्ड्स टफेस्ट मैन अलाइव। दोस्तों, एक शीशे के सामने खड़े होकर ना कुछ पॉजिटिव ना नेगेटिव, अपनी आंखों में आंखें डालकर सिर्फ सच बोल के और अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी लेके आप अपनी डार्क एनर्जी को हार्नेस कर लेते हो। उसके बाद आपका जो भी गोल हो वो इस डार्क एनर्जी के फ्यूल पे चलेंगे, जहां आपको बार बार पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपके अंदर अपने गोल को पूरा करने की एक आग लगी रहेगी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को